मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज प्रस्तावित कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा आज जन सुनवाई कार्यक्रम करने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे विकसित संकल्प भारत यात्रा कार्यक्रम से भी जुड़ेंगे सीएम। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीसी के जरिए संबोधित करेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे मालपुरा के लांबा हरिसिंह के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल शर्मा। लांबा हरिसिंह में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजधानी जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो आज सीएम के बैक टू बैक कार्यक्रम और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो कार्यक्रम में शुरुआत होगी वो जन सुनवाई कार्यक्रम के साथ होगी, यानी लोगों से मिलना जुलना और जो लोग अपनी परेशानियां लेकर मुख्यमंत्री के दर पर पहुंचते हैं उनकी परेशानियों को सुनना। तो सुबह सुबह के वक्त में सीएम सबसे पहले जन सुनवाई कार्यक्रम करने वाले हैं, उसके बाद उज्ज्वला योजना और आयुष्मान योजना के लाभार्थियों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे वीसी के जरिए। तो इस कार्यक्रम में भी सीएम भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे, इस तरीके की जानकारी है। और उसके बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर कैंप का अवलोकन भी आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। तो आज बैक टू बैक कार्यक्रम एक्टिव मोड में है सूबे के मुखिया। 1:30 बजे मालपुरा के लांबा हरिसिंह के लिए रवाना होंगे। लांबा हरिसिंह में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा और उसके बाद मुख्यमंत्री वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो आज 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सीएम के। शुरुआत जन सुनवाई कार्यक्रम के साथ होगी और उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा दोपहर 12:30 बजे विकसित संकल्प भारत यात्रा कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीसी के जरिए संबोधित करने वाले हैं, जिसमें राजधानी जयपुर के हेरिटेज ग्रेटर दोनों नगर निगमों के तमाम जो लाभार्थी हैं वो पीएम मोदी के साथ संवाद कार्यक्रम में जुड़ेंगे। तो इस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे और उसके बाद मालपुरा जाएंगे सीएम भजनलाल। मालपुरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर आयोजित हो रहे कैंप का अवलोकन सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। ये जो कैंप्स हैं यहाँ पर तमाम लाभार्थी जुड़ते हैं और लाभार्थी जिन्हें केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा चाहिए या फिर मिल चुका है, इन कैंप्स के माध्यम से कई लाभार्थियों तक का पहुंच बनाई जा रही है। और हमारे सहयोगी गौरव गौड़ लाइव जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। गौरव, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तमाम कार्यक्रमों पर नजर डालें। शुरुआत जन सुनवाई कार्यक्रम के साथ होगी और उसके बाद बैक टू बैक कार्यक्रम है सीएम के। किस तरीके का शेड्यूल आज? जी बिल्कुल, अल सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने लगे हैं और कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लोगों की जो है यहाँ पर कतार लगी हुई है और सिक्योरिटी चेक के लिए लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी समय है जन सुनवाई का। और सुबह सुबह जब से ओटीएस पर यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं सीएम साहब, जब से यहाँ पर लगातार जो है लोगों के पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो चालू है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर के, अपनी बातों को लेकर के जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। और इसके बाद आप देख पाएंगे 11 बजे तक का जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद में जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो यहाँ से 12:30 बजे के आसपास, जो बताया गया है कि ये प्रस्तावित कार्यक्रम है और वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो जुड़ेंगे, और जिसके अंदर जो भारत विकास यात्रा जो है ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के वो पहले इस चीज के अंदर अपना पहुंचेंगे। और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर से लांबा हरिसिंह जो क्षेत्र है मालपुरा में, वहां पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। चूंकि ये जो कार्यक्रम किए गए हैं ये लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के हैं, 2 जगह अवलोकन किया जाना है और निरीक्षण भी जो है इन कार्यक्रमों का लगातार सीएम भजनलाल शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप फिलहाल देख पाएंगे कि जो मिलने वाले हैं, जो मिलने वालों की भीड़ है वो सिक्योरिटी चेक पर खड़ी है और पिछले 1 घंटे से ही लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। इसके अंदर कुछ बड़े नाम भी यहाँ पहुंचे, फिल्म जगत के एक बड़े डायरेक्टर केसी बोगाड़िया भी जो है यहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा से मिलने पहुंचे हैं, और उसके अलावा राजपूत समाज के अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। नंदनी, गौरव, मुख्यमंत्री से लगातार मिलने जुलने का जो सिलसिला है सीएम बनने के बाद, सीएम भजनलाल शर्मा से लगातार बड़ी संख्या में लोग मिल रहे हैं। आज एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सीएम भजनलाल का और वो कार्यक्रम है आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर लाभार्थियों से बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस संबोधन के बीच में सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रह सकते हैं, इसे लेकर क्या जानकारी?
जी देखिए, बिल्कुल सूबे के मुखिया जो भजनलाल शर्मा हैं, वो राजस्थान के अंदर जो भी चीजों से लेकर के जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं, किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करना है और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उनको कैसे जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड जीरो है, वहां तक पहुंचाना है। चूंकि जो सीएम भजनलाल शर्मा है वो खुद ग्रास रूट लेवल पे जो है बीजेपी के अंदर काम करते हुए नजर आए हैं और शुरू से वो लगे हुए थे, उसके बाद एकदम से जब उन्हें इतना एक बड़ा पद दिया जाता है तो ये चीज लाजमी है कि वो हर चीज को पुख्ता तरीके से देखें, जांचें और फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके अंदर ये चीज जो है काफी प्रभावी नजर आती है। और ऐसे में जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके साथ मिलकर के उनके मार्गदर्शन में काम करने का भी जो मौका है वो सीएम भजनलाल शर्मा को मिलता नजर आ रहा है। और ऐसे में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनसे लेकर के जो राजस्थान के शहरी क्षेत्र हैं वहां तक जो ये पॉलिसीज हैं उनको इक्वली इंप्लीमेंट किया जाए, इनका जो फायदा है वो सभी को बराबर मिले, तो हो सकता है कि आज जो है ये एक बड़ा दिन रहे राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके लिए भी और राजस्थान के जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए भी। नंदनी जी बिल्कुल गौरव, अभी फिलहाल जनसुनवाई कार्यक्रम को लेकर आपसे जानकारी ले लेते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा अब से कुछ ही देर में जनसुनवाई कार्यक्रम में नजर भी आएंगे। जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अपनी किस तरीके की फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है कि ये जो जनसुनवाई कार्यक्रम लगातार सीएम कर रहे हैं, जनसुनवाई के तहत लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, लोगों का अभिवादन स्वीकार करना, इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन किस तरीके की परेशानियां लेकर यहां पर लोग प्रदेश के मुखिया के पास पहुंचते हैं ये भी जानना बड़ा जरूरी है। जी देखिए नंदिनी, जो सीएम भजनलाल शर्मा हैं उनके पास सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र के लोग ही नहीं, जो नाना प्रकार के जिस तरह के आप माने कि चाहे औद्योगिकी हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, जैसे कि एक बड़ा नाम फिल्म इंडस्ट्री का जो पूरे देश में फेमस है केसी बोगाड़िया, वो फिलहाल सीएम आवास पर मौजूद है, ओटीएस मौजूद है। और ऐसा देखा जा सकता है कि सिर्फ एक क्षेत्र ही नहीं, एक गांव ही नहीं, एक ढाणी ही नहीं, हर प्रदेश के हर कोने से आदमी यहां पहुंच रहा है। तो चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई चीजें हों, चाहे वो औद्योगिकी से जुड़ी हुई चीजें हों, या फिर टेक्नोलॉजिकली कैसे अब राजस्थान को ऊपर लेकर के जाया जाए, क्योंकि जब से सीएम भजनलाल शर्मा ने ये पद को ग्रहण किया है उसके बाद से ही लगातार जो फैसले लिए जा रहे हैं वो इस तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो समस्याएं हैं वो उन तक सीधा सीधा पहुंच पाए। जैसे एक डॉक्टर जब तक इसको डायग्नोस नहीं करेगा कि बीमारी क्या है, जब तक उस बीमारी का इलाज नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से जब तक समस्याओं को ग्राउंड रूट लेवल से नहीं समझा जाएगा, जब तक इन समस्याओं का निवारण किस तरीके से किया जाए, तो ये एक बड़ी चीज जो है बनी रहती है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ हर तबके का आदमी पहुंच रहा है, अमीर गरीब छोटा बड़ा व्यवसायी अधिकारी सभी लोग पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है कि इन चीजों से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो आगे होती हों कि किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को फेस आउट किया जाए और जल्द से जल्द राजस्थान की धरा से जो समस्या है उन्हें समाप्त कर दिया जाए। ना प्रदेश में अगर बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर लगने वाले कैंप्स की, तो इन कैंप्स का लगातार अवलोकन सीएम भजनलाल शर्मा कर रहे हैं और ये वो कैंप है जहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कितना फायदा लाभार्थियों को केंद्र की योजनाओं का मिल रहा है या वो लोग कितने जागरूक हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो चाहे उज्ज्वला योजना हो, इन योजनाओं के बारे में जानकारी और एक कैंप में इन तमाम योजनाओं का फायदा मिल रहा है। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के मद्देनजर आज सीएम दो महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल भी होंगे, ये जो कैंप्स लग रहे हैं इन्हें लेकर किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूबे के मुखिया का पूरा फोकस इन दिनों इन कैंप्स को लेकर है। बिल्कुल नंदिनी, फोकस पूरा क्लियर है और आगे की जो रणनीति है वो भी तैयार है, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि अवलोकन के साथ साथ एक निरीक्षक की भूमिका निभाते हुए सीएम भजनलाल शर्मा अभी तक नजर आए हैं। और अगर इन पॉलिसीज के ऊपर वो अपना निरीक्षण ऐसे ही बनाकर रखते हैं तो जो केंद्र के अंदर सरकार बैठी है वो एक तरफ से जो है बेफिक्र तो नहीं कह सकते, लेकिन चिंता मुक्त जरूर है कि अब राजस्थान के अंदर उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो केंद्र से पॉलिसीज लाई जा रही है, उनको इंप्लाई करना, उनपे फोकस करना और अवलोकन के साथ साथ उनका निरीक्षण करना, चूंकि अकाउंटेबिलिटी कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका तमाम जानकारियों के लिए।